जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है SSB कांस्टेबल GD की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही, पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें कि शॉर्ट नोटिस दिखाया गया था SSB कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। इसका फुल नोटिफिकेशन आप लोग को आ चुका है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, स्पोर्ट्स कौन कौन से चाहिए, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी, आज से इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हैं। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे पूरी डिटेल मिलेगी। 272 आप लोग की टोटल वैकेंसी कांस्टेबल GD की है। स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप लोगों का ऐड आ गया है। जी हाँ, इसमें 30 दिन तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया तो 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए, तो कौन कौन सा स्पोर्ट्स होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। फीस आप लोग की 100 रुपए लगेगी। यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट है, फीमेल SC ST से है, तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं। एज आप लोग की 20 नवंबर 2023 को काउंट होने वाली, जनरल के 18 से 23, OBC 18 से 26, SC ST 18 से 28 साल तक आप लोग की एज रहने वाली। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने पड़ेंगे पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। सिलेबस की जानकारी दी है, सबसे पहले स्पोर्ट्स ट्रायल है, फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, के बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। या नीचे आने के बाद आप लोग का फुल नोटिफिकेशन दिया है और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दिया हुआ, ठीक है। दोनों ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहां से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़िए, जानकारी दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ, इसके अलावा ये है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कीजिए। SSB के अंतर्गत आप लोग की स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था पहले, बिल्कुल वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो भी है आप लोग का 2 साल के अंदर का होना चाहिए, ये भी आप लोग का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट आप लोग की यहाँ पे 20 नवंबर 2023 है, इससे 2 साल के अंदर का ही आप लोग का यहाँ पे स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो आर्चरी मेन आप लोग का देखेंगे, जो कंपाउंड वगैरह, ठीक है, टोटल। इसी प्रकार से आर्चरी वुमेन की भी डिटेल दी गई है। आर्चरी एथलेटिक मेन आप लोग की डिटेल दी है। एथलेटिक मेन में आप लोग देखेंगे 200 मीटर 400 मीटर 400 500 1500 3000 5000 20 किलोमीटर, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप वगैरह आप लोग की है। पोलो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा एथलेटिक वुमेन की भी जानकारी दी है, तो एथलेटिक वुमेन 100 मीटर 200 400 800 1500 3000 5000 हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल, ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा बॉक्सिंग में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 48 kg 51 kg मेन के मेन, ठीक है, 54 63.5 67 71 75 86 92 92 प्लस। इसी प्रकार से बॉक्सिंग वुमेन आप लोग देखेंगे 48 kg 52 kg और 75 kg के अंतर्गत। इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग मेन 55 से 60 kg और 60 से 65, 65 से 70, 75 से 80 और 80 से 85, कितनी कितनी वैकेंसी है। बास्केटबॉल मेन की जानकारी आप लोग को दी गई है, तो यहाँ पे पावर फॉरवर्ड सेंट्रल कितनी कितनी वैकेंसी है डिटेल आप लोग को दे देगी, ठीक है। बास्केटबॉल वुमेन की भी यहाँ पे है, ठीक है, गार्ड और फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड डिटेल आप लोग को दे देगी, ठीक है, सेंट्रल। इसी प्रकार से साइकिलिंग मेन, साइकिलिंग वुमेन दोनों के लिए वैकेंसी है। रोड टाइम ट्रायल, ट्रैक टाइम ट्रायल, ट्रैक स्ट्रेस पुस्टर, ठीक है। इसी प्रकार से रोड टाइम, ट्रैक टाइम वगैरह आप लोग को पूरी डिटेल दी है। तो इसी प्रकार से आप लोग का एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें मेन का है। इसी बात से फेंसिंग का है, ठीक है, ये भी आप लोग का मेन का है। जिम्नास्टिक का है आप लोग का, हॉकी वुमेन है, ठीक है, हॉकी मेन की भी डिटेल आप लोग की यहाँ पे दी गई है। और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे जूडो मेन की जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, जूडो वुमेन की भी जानकारी दी गई है, 73 81 90 100 kg। इसी प्रकार से वुमेन 48 52 57 63 78 kg। कबड्डी की जानकारी दी जाए तो कबड्डी वुमेन यहाँ पे आप लोग देखेंगे लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट, ठीक है। कराटे वगैरह की भी आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है, कराटे वुमेन। और इसी प्रकार से पिनेक्सलाट मेन डिटेल आप लोग दी, कौन कौन सी केजी का है, ठीक है। इसी के बाद पावर लिफ्टिंग वगैरह मेन वुमेन दोनों की डिटेल आप लोग को दी गई है। शूटिंग स्पोर्ट्स मेन वुमेन दोनों है। स्विमिंग की भी यहाँ पे आप लोग को डिटेल दी गई है, आप लोग इसे देखेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। स्विमिंग वुमेन की भी डिटेल आप लोग को दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा टाइकोमांडो मेन की भी डिटेल है, और इसके अलावा टाइकोमांडो वुमेन की भी डिटेल है। वॉलीबॉल मेन और वॉलीबॉल वुमेन की भी डिटेल है। रेसलिंग मेन, फ्री स्टाइल की भी यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दी गई है। इसी प्रकार से रोमन स्टाइल, ठीक है, रेसलिंग वुमेन की भी डिटेल दी है, फ्री स्टाइल, और वुसु वुमेन संडा, ठीक है, और
टोलू ठीक है, वुशु मैन संडा ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को डिटेल दी गई है। टोलू वाटर स्पोर्ट्स मैन वुमेन दोनों की डिटेल दी गई है। वेट लिफ्टिंग की मैन वुमेन दोनों की डिटेल आप लोग को दी गई थी। इस प्रकार से 272 टोटल वैकेंसी निकल गया है। इन स्पोर्ट्स में आप लोगों ने अचीवमेंट प्राप्त कर रखी तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के अंदर का आप लोग का स्पोर्ट्स होना चाहिए। पे स्केल आप लोग की 21,769,100 रहने वाली। लेवल 3 की आप लोग की सैलरी अच्छी है। एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे देखेंगे 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। यदि आप लोग कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल ओबीसी 18-24, एससी 18 से 28 साल तक, 10th पास है और आप लोग का स्पोर्ट्स का अचीवमेंट यहाँ पे दिया गया है। जो भी स्पोर्ट्स ऊपर दिया गया है, इसके अलावा किस लेवल का आप लोग का होना चाहिए, तो प्लेयर हु रिप्रेजेंट रिकोगनाइज इंटरनेशनल इवेंट, तो आप लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट में भाग लिया है, रिप्रेजेंट किया कंट्री को ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। इसी प्रकार से इसके अलावा आप लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है, मेडल भी लिया है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट यूटी इन सीनियर और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में आप लोगों ने भाग लिया है, अपने स्टेट को यूटी को रिप्रेजेंट किया, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो इंटरनेशनल नेशनल हो गया आप लोग। इसी प्रकार से प्लेयर रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इसके अलावा प्लेयर रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्कूल, तो नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया है स्टेट स्कूल की तरफ से, तो आप लोग यहां पे एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से प्लेयर अवार्डेड है नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो भी आप लोग यहां पे एलिजिबल हैं। जी हां, नेशनल इंटरनेशनल 2 ईयर मैंने आप लोग को बता दिया, 2 साल के अंदर का आप लोग का यहां पे होना चाहिए जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है, और 30 दिन तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 नवंबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 2023। जी हाँ, एज की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसी प्रकार से ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वगैरह है, इसकी जानकारी आप लोग को दी है। नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग होने चाहिए और डिस्क्वालीफाई आप लोग हो जाएंगे ठीक है, किस तरीके से उसकी डिटेल दी है। फी आप लोग की 100 रुपए लगने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तो सिलेक्शन आप लोग का होने वाला स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के अंतर्गत वो आते हैं, सबसे पहले स्टेज 1 वालों का सिलेक्शन होगा। इसमें वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया है, या फिर इंटरनेशनल मेडल विनर है, या फिर नेशनल मेडल विनर है, 3 प्लेस तक यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। स्टेज वन वाले कैंडिडेट यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट किए जाएंगे, और यदि सीटें बचती हैं तो स्टेज 2 के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, बाकी जो भी होंगे वो स्टेज 2 के अंतर्गत यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए, इसी प्रकार से स्टेज 1 में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो या फिर इंटरनेशनल मेडल विनर हो या फिर नेशनल मेडल विनर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो आप लोग एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने, पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दी है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जानकारी दी जाए, तो फ्री ट्रायल स्किल टेस्ट यानी कि ट्रायल टेस्ट वगैरह आप लोग का होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होने वाला है यदि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एज ए मेंबर स्क्वाड क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, तो आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल स्पोर्ट्स में तो आप लोग को यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं देना है। इसी प्रकार से आपने रिप्रेजेंट किया है अपने स्टेट यूटी को सीनियर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में बाय द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, तो भी आप लोग को यहाँ पे इस ट्रायल नहीं देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग की पोजीशन आई है, तो इस प्रकार से आप लोग को ट्रायल नहीं देना है नेशनल इंटरनेशनल। जी हाँ, नेशनल आप लोग का 3rd प्लेस तक होना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग को ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस दिया गया ठीक है, 50 नंबर के जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होंगे वो 50 नंबर का आप लोग को यहाँ पे होने वाला है ठीक है, इसी में से आप लोग को नंबर मिलने वाले हैं। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आप लोगों ने भाग लिया है और तो यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 30 नंबर, सिल्वर पे 29, ब्रॉन्ज पे 28 और पार्टिसिपेट किया है ओनली, तो 26 मार्क्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों ने प्रीफरेंस आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट, यदि आपने अपने स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट किया है नेशनल चैंपियनशिप में तो गोल्ड मेडल के 25, सिल्वर के 24, ब्रॉन्ज के आप लोग के 23 यहाँ पे मिलने वाले। तो इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होगा। इक्विवेलेंट मार्क होते हैं तो किस प्रकार से आप लोग के नाम के अनुसार ठीक है, जो भी आप इसके अलावा कोई अदर मेडल वगैरह होगा तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा यदि इक्वल मार्क आप लोग के होते हैं तो। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है जो भी आप लोग का नेशनल चैंपियनशिप है किस अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, फॉर्म जो आप लोग का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका फॉर्मेट आप लोग को यहाँ पे दिया गया ठीक है। नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम वगैरह ठीक है, सभी का यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है और किस अथॉरिटी के द्वारा आप लोग का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए उसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। इसी प्रकार से पीएचटी आप लोग का होने वाला है। जी हाँ, फील्ड ट्रायल आप लोग का नहीं होगा तो पीएचटी आप लोग का होने वाला। पीएचटी में आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट है तो 170, फीमेल है तो 157, चेस्ट 80-85 होनी चाहिए और गढ़वाली कुमायू डोगरा मराठा है। कैंडिडेट बिलोंग करते हैं असम हिमाचल प्रदेश यूटी आप लोग की जम्मू कश्मीर, तो आप लोग की मेल 165, फीमेल 155, 78, 83 आप लोग की मेल की चेस्ट होनी चाहिए।
इसी प्रकार से आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके तो 162.5 मेल कैंडिडेट, 150 सेंटीमीटर आप लोग की फीमेल कैंडिडेट, 76.81 यहाँ पे मेल की चेस्ट। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भी आप लोग के डिटेल दी गई ठीक है उसकी डिटेल आप लोग 162.55 आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए इसके अलावा आप लोगों को जानकारी दी है वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, इसकी डिटेल आप लोग देख लेंगे जी हाँ। और इसके बाद पीएचडी के बाद आप लोग का यहाँ पे डीएमई यानी कि मेडिकल आने वाला, मेडिकल में कोई पॉइंट होता है तो री मेडिकल आप लोग का, इसके बाद आप लोग की फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ठीक है। और यदि आप लोग यहाँ पे स्टेज टू, तो स्टेज टू उन लोगों के लिए है जिनका मीन्स यदि स्टेज वन जो भी इंटरनेशनल और पार्टिसिपेट या फिर मेडल और नेशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस वाले बच्चों से रह जाता है, बच जाती है वैकेंसी तो उनके द्वारा फिल की जाएगी, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन फील्ड ट्रायल वगैरह यहाँ पे होने वाला है। फील्ड ट्रायल उनका होगा 50 नंबर का होगा, 60% पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे और पीएचडी की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग यदि इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जानकारी दीजिए ताकि ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।